मंडी जिले के गांव नलियाना के रहने वाले युवक काकू की पत्नी अचानक से गायब हो गई। काकू का कहना है कि 17 जुलाई को उसकी पत्नी वंदना दोपहर को घर से अचानक गायब हो गई। वंदना के पति ने पुलिस स्टेशन में गुमशुदा की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है और पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है कि वह जल्द से जल्द मेरी पत्नी को ढूंढने का प्रयास करें। वहीं काकू ने बताया कि मेरी पत्नी 17 तारीख को दोपहर में घर से अचानक गायब हो गई। उन्होंने बताया कि वह सुबह अपने रेडी लगाने गए थे और उनकी माता भी घर में नहीं थी। जैसे ही वह घर दोपहर के खाना खाने के लिए पहुंचे तो उनकी पत्नी घर पर नहीं थी। वह अपने साथ छोटी बच्ची और सोने के कुछ जेवरात व 50,000 रूपए ले गई है। साथ ही उनका कहना है कि जब वह हमीरपुर के पुलिस थाना में FIR दर्ज करवाने के लिए गए तो पुलिस वालों ने हमारे साथ मारपीट की। साथ ही उन्होंने बताया कि जब वह अपनी पत्नी के माँ बाप के पास गए तो उनसे पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि वह यहाँ पर नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया कि जिस किसी के पास भी मेरी बेटी और पत्नी है, अगर उनके साथ कुछ घटित हो जाता है तो उसकी जिम्मेवारी उसकी ही होगी। उन्होंने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है कि वह जल्द से जल्द मेरी पत्नी को ढूंढने का प्रयास करें। सर, मैं घूमने के लिए गया था, पहले ना बाहर गया था कहीं घूमने के लिए, तो मम्मा भी बाजार गई थी सामान लाने के लिए। तो घर में मैं दोपहर को आता हूँ ना खाना खाने के लिए, तो खाना खाने के लिए आया मैं, उधर मेरी वाइफ नहीं थी, पता नहीं कहाँ चली गई, किधर चली गई पता नहीं चला। फिर उसके बाद मैं इधर पुलिस स्टेशन हमीरपुर में आया, तो हमीरपुर में आया पुलिस स्टेशन में उसकी मम्मा पापा मिले इधर। फिर मैं पूछने लगा पुलिस स्टेशन में, FIR दर्ज करवाने लगा, तो उन्होंने मार पिटाई की मेरी मम्मा के साथ भी और मेरे साथ भी पुलिस वालों ने मार पिटाई की। मैं FIR दर्ज करवाने के लिए गया था ना उधर, उन्होंने मैंने पूछा, मैंने FIR दर्ज करवानी है, हमारी कोर्ट मैरिज हुई है, तो उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स भी निकाल दिए थे, मेरी वाइफ ने ले गई थी सामान सारा कुछ, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था बताने के लिए, कुछ भी अंदर डॉक्यूमेंट्स। फिर मैं दोबारा शिमला गया, शिमला से कोर्ट मैरिज के सर्टिफिकेट निकाले, तब जाके इधर आया। फिर कहीं मेरी 1.5 महीने की लड़की है, वो उसको ले गई और साथ में गाने भी ले गई, साथ में गहने डाले भी, गहने ले गए, पैसे ले गए 50,000 रुपया, गहने मान टिक्का था, नथ थी, फिर चेन थी सोने की चेन थी। भागे हुए उनको 17 तारीख ही भागे हैं। मैंने कंप्लेंट भी की यहाँ पर, मेरी मम्मा उसके मम्मा पापा को फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि यहीं कोई वंदना वंदना नहीं रहती है यहाँ पे, कोई फ़ोन नहीं करना है वापस। उन्होंने SP साहब से मिले, उन्होंने दिया यहाँ पे लिखा उन्होंने, एप्लीकेशन दे दो सरकार घाट में, यहाँ भी है, उन्हें एप्लीकेशन दे दी है, उधर भी एप्लीकेशन देनी है। अब आप क्या? मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे को मेरी वाइफ और लड़की मिल जाएगी तो मैं ले आऊँगा उसको। जहाँ भी मेरी वाइफ और लड़की होगी वो ही जिम्मेवार हैं, उन पर ही मैं मुकदमा ठोकूँगा और उनसे ही पूछूँगा, मैं उनको ही पूछूँगा। अगर मेरी बच्ची और वाइफ को हो गया कुछ तो फिर जिसके पास है वो ही जिम्मेवार हैं।